चल बेटा, अब इसमें पिछले लेक्चर में हमने अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन अल्कीन अल्केन के ऑक्सीडेशन तक देख लिया था, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ तक हो गया था अपना, ठीक है। अब एक और रिएक्शन जो होती है अल्कीन में बेटा कौन सी है, तो हम बोलेंगे जैसे इथीन की रिएक्शन, यदि हम सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाता है, जो कंपाउंड बन रहा है सल्फर, उसके दोनों तरफ CH2 CH2 और दोनों टर्मिनल कार्बन पर CnCl, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस, ठीक है ना। इथीन पर सल्फर मोनोक्लोराइड की जब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, मस्टर्ड गैस। स्ट्रक्चर क्या है, सल्फर उसके दोनों तरफ CH2 CH2 और टर्मिनल कार्बन पर दोनों पर एक एक Cl, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, हमने बोला दिस कंपाउंड इज मस्टर्ड गैस। आए बेटा समझ में, ठीक है। अभी जो मस्टर्ड गैस होती है ये क्या रहेगी, तो हम बोलते हैं डेडली पॉइजनस होती है नेचर में, ठीक है। मस्टर्ड गैस इज व्हाट, इट इज डेडली पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। और इसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किया गया था एज अ केमिकल वेपन, ठीक है। इस वजह से मस्टर्ड गैस को क्या भी कहा जाता है, गैस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 भी कहा जाता है ना। मस्टर्ड गैस जो होती है इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमको कौन सी वाली चीज देखनी है, नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, है ना। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन, ठीक है। तो अगली चीज जो अपन देखने जा रहे हैं वो कौन सी वाली है, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन, ठीक है। 1,2, 1,4 एडिशन में कौन सी वाली चीज होगी बेटा, तो हम बोलते हैं जैसे हम क्या लेते हैं इसके लिए, कॉन्जुगेटेड डाइईन जो होता है ना, दैट इज टेकन एज रिएक्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रिएक्टेंट जो होता है वो क्या लेंगे, इट इज कॉन्जुगेटेड डाइईन, या इन जनरल व्हाट वी से, इट इज कॉन्जुगेटेड पॉलीईन, है ना। मतलब डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा भी हो बट यदि वो रेजोनेंस में है, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्टेंट हम लेते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्या करवाया, HBr ले रहे हैं जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, है ना। इसको हमने लिया किसमें, दैट इज इन लिमिटेड अमाउंट, है ना। तो 1,2, 1,4 एडिशन जो होता है एक इन पर देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे इट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जो होते हैं उन पर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसमें यदि डाइईन है, ये किसी बेटा कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस पर हमने क्या डाला, इट इज इलेक्ट्रोफाइल को भेजा, दैट इज इन लिमिटेड अमाउंट, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यदि ज्यादा होगा तो दोनों डबल बॉन्ड्स पर रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया है, यहाँ आता है क्या समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज है, हम बोलेंगे रिएक्शन की शुरुआत तो कैसे ही होगी, हम बोलेंगे अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, हम बोलेंगे अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, हम बोलेंगे दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। कौन सी चीज होगी बेटा यहाँ, तो बोलेंगे HBr में से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। HBr में से क्या निकला, H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। फिर कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे H पॉजिटिव यहाँ अल्कीन पर क्या करवा देता है, दैट कॉजेज व्हाट, दैट इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाएगा, यहाँ कार्बन पर क्या आ जाता है, तो बोलेंगे यहाँ कार्बन पर आ जाएगा दैट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अल्कीन पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अभी जो कैटायन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दैट इज कॉन्जुगेशन, है ना। ये जो कैटायन है ना, ये क्या रहेगा, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में था, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो जाता है कहाँ, दैट इज एट टर्मिनल कार्बन, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे टर्मिनल कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, आता है क्या बेटा समझ में, है ना। अभी टर्मिनल कार्बन पर यदि शिफ्ट होगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ हाइब्रिड में इस कार्बन पर भी पॉजिटिव रहेगा और इस कार्बन पर भी क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बी आर निगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास 2 ऑप्शन हैं, ये इस कार्बन पर भी जोड़ सकता है और ये इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है, आए बेटा समझ में, है ना। क्या बोले हमने, हमने बोला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, हमने बोला इस कार्बन पर भी और इस कार्बन पर भी, ठीक है।
तो बी आर निगेटिव जो है इसके पास दो ऑप्शन हैं, वो यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। आए बेटा समझ में? ठीक है, ऐसा ये भी है तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे ऐसा ये भी होता है तो बेटा इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी आर निगेटिव यदि यहाँ जुड़ गया तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल जहाँ जुड़ा था उसके एडजेसेंट कार्बन पर कौन जुड़ गया, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यदि एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो रिजल्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज 1-2 एडिशन। ठीक है ना, जो रिजल्ट है ये क्या रहेगा, हम बोलेंगे ये होता है 1-2 एडिशन। आता है क्या बेटा समझ में? है ना, देन रिजल्ट इज व्हाट, दैट 1-2 एडिशन। ठीक है, और यदि कौन सी चीज होगी तो हम बोलेंगे यदि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचने के बाद यदि बी आर निगेटिव इस टर्मिनल कार्बन पर जुड़ता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ा था, न्यूक्लियोफाइल इसके रेफरेंस में इस कार्बन पर जुड़ा। ठीक है, क्या बोले बेटा हमने, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा था इसके रेफरेंस में न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ता है। क्लियर है क्या आपके सही? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल एटम नंबर 1 पर है तो न्यूक्लियोफाइल उसके रिस्पेक्ट में क्या है, दैट इज दैट एटम नंबर 4। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या हो जाता है, दैट इज 1-4 एडिशन हो जाता है। आते बेटा समझ में? है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1-2 एंड 1-4 एडिशन। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से ना, दिस इज व्हाट, तो हम बोलेंगे ये 1-2 एडिशन एंड दिस इज 1-4 एडिशन। है ना, अब 1-2 एडिशन प्रोडक्ट को यदि आप देखोगे तो यहाँ आपको कौन सी चीज देखने को मिलेगी, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बन रहा था और 1-4 एडिशन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से बन रहा है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन क्या होती है, उतनी ज्यादा फास्ट। ठीक है, तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट किसके थ्रू मिल रहा है, तो हम बोल रहे हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इसका मतलब हो जाएगा कि 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा फास्ट बनेगा। ठीक है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट किसके थ्रू बन रहा था, कम स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये बनेगा, उसमें नीचे लगा देता है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जो है बनेगा किसके थ्रू, कम स्टेबल कैटायन के थ्रू। है ना, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वो जो होता है वो काफी धीरे धीरे बनता है। आता है बेटा समझ में? है ना, अब कौन सी चीज अगली वाली, तो हम बोलेंगे अब अगली वाली चीज जो होती है जैसे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट को यदि हम देखें तो इसमें एल्कीन है जिस पर एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये एल्कीन है और इसमें 3+2 दैट कंटेन्स व्हाट, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 1-4 एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है ये क्या रहेगा, कम स्टेबल होता है। आता है क्या बेटा समझ में? तो हम बोलेंगे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट कम स्टेबल है और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है। है ना, तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन तो 1-2 एडिशन का ज्यादा था लेकिन प्रोडक्ट कम स्टेबल है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1-4 एडिशन प्रोडक्ट इज लेसर लेकिन कौन सी चीज है, वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। आ रहा बेटा समझ में? है ना, तो अब हमको कौन सी चीज देखनी है, तो हम बोलेंगे अब कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा या दोनों बनेंगे कब कैसे क्या, तो अभी सारी चीजें अपन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन सी चीज देखने को मिलती है कि रिएक्शन को यदि हम क्या करवाते हैं, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं। है ना, इफ रिएक्शन इज डन एट व्हाट, एज लो एज -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो तब कौन सी चीज हो जाती है बेटा, तो हम बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, इट इज 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन को यदि हम +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो तब हम कौन सी चीज बोलेंगे, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। आया क्या बेटा समझ में? ठीक है, तो हम बोलेंगे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट इज मेजर और +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, इट इज 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। आया सबको समझ में?
अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे कि अब ऐसा क्यों, ये हमको समझना है ना। तो बेटा हम क्या बोलते हैं कि 1-2 एंड 1-4 एडिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। और एक ऐसे एक दूसरे में बदलते हैं, हम बोलेंगे जैसे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, इसको भी 1-4 में जाना है, तो क्या करता है, हम बोलेंगे सी बी आर बॉन्ड को ब्रेकअप करवाता है। क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जो रेजोनेंस से यहाँ जाएगा, इस पर बी आर निगेटिव जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इट इज 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। 1-4 यदि इसमें जाएगा तो किससे जाएगा, सी बी आर बॉन्ड टूटा, ये कैटायन बना, ये रेजोनेंस से इसमें कन्वर्ट हुआ, इस पर बी आर निगेटिव जुड़ा, क्या बन गया, इट इज 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1-2 एंड 1-4 ये इंटर कन्वर्टेबल है, और ये कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो हम बोलेंगे ना क्या हो जाएगा, सी बी आर बॉन्ड टूटने से ये इस कैटायन के थ्रू इसमें, या यहाँ सी बी आर बॉन्ड टूटने से ये कैटायन इसके थ्रू इसमें। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि है ना, जो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है उसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं यहाँ, तो हम बोलेंगे जैसे क्या है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें हम, चाहे हम +40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट किसके थ्रू बन रहा है बेटा, तो हम बोलेंगे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट तो बन रहा है ज्यादा स्टेबल कैटायन के थ्रू, तो हम बोलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर कंडीशन क्या हो जाएगा, शुरुआत में इनिशियली हमेशा यही ज्यादा बनेगा, क्योंकि यही जल्दी जल्दी बनता था ना, ये दोनों जो है ये क्या है, दे आर कैनोनिकल फॉर्म, एक्चुअल रिएक्शन तो किसके थ्रू होती है, इनके हाइब्रिड के थ्रू होती है, ठीक है। मतलब जो हाइब्रिड है उसी को इसमें कन्वर्ट होना है और उसी हाइब्रिड को इसमें कन्वर्ट होना है, ठीक है। पर 1-2 एडिशन जो है ये कैसा होता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला है ना, 1-2 एडिशन जो था ये लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला था, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाती है बेटा, तो हम बोलेंगे यदि ये लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये जल्दी जल्दी उस कैटायन को कंज्यूम कर लेगा, तो वो कैटायन किधर, 1-4 की तरफ काफी कम जा पाएगा, तो ये तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर -80 रहता है +40, ये तो कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ है, तो क्या हो जाएगा, शुरुआत में तो हमेशा यही ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें तो हम बोलेंगे -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये काफी लो टेम्परेचर है, इस पर भी क्या हुआ, तो हमने बोला 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन गया, ये कम बना, ठीक है। अब ये इंटर कन्वर्टेबल थे, अभी भी 1-2 को 1-4 में जाना है, तो क्या बोला था बेटा मैंने, कैसे जाता है, सी बी आर बॉन्ड को तोड़कर, ठीक है। सी बी आर बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी लगेगी, तो हम बोलेंगे -80 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, इतना लो टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर पर सी बी आर बॉन्ड नहीं टूट सकता, ठीक है। और यदि नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ज्यादा बना था और ये टूट नहीं रहा, मतलब क्या हो जाएगा, ये बना और बनकर फिक्स हो गया, आएगा समझ में, ठीक है। तो हम बोलेंगे लो टेम्परेचर पर हमको वो प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है ना, लो टेम्परेचर पर क्या मिल रहा है हमको, तो हम बोलेंगे लो टेम्परेचर पर हमको वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है जो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, आते हैं क्या बेटा समझ में, ठीक है। और ऐसा यदि है तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन जो है वो तो किसमें है, रेट के कंट्रोल में है या काइनेटिक, क्योंकि रेट की स्टडी क्या कहलाती है, काइनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन जो होती है दैट इज अंडर रेट कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल, है ना। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट कंट्रोल में रहेगी या काइनेटिक कंट्रोल में होती है, है ना। रिएक्शन इज अंडर रेट कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल, ठीक है। और इसके थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट KCP या रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट दैट इज RCP। आए बेटा समझ में, तो क्या बोला हमने कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर कंडीशन हमेशा शुरुआत में तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ही ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या हो जाएगा लो टेम्परेचर पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट बना और बनने के बाद टूटा नहीं, इस वजह से फाइनली भी यही ज्यादा मिल गया। तो हमने बोला लो टेम्परेचर पर वो प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कंट्रोल्ड या काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या बेटा टेम्परेचर जब आप +40 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो तब भी शुरुआत में तो हमको ज्यादा क्या ही मिलता है, तो हम बोलेंगे शुरुआत में तो हमको ज्यादा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ही मिलता है ना।
शुरुआत में तो ज्यादा फिर से वन टू एडिशन प्रोडक्ट ही मिला था, ठीक है। लेकिन अब कौन सी चीज और हो गई, तो मतलब पहले की कंपैरिजन में टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड मोर, है ना, -80 से +40, तो पहले से अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। और यदि ऐसा है तो कौन सी चीज होगी, तुम बोलेंगे ऐसा होगा तो इस बार क्या हो जाएगा, वन टू एडिशन प्रोडक्ट बना, पर क्या हो जाएगा, तुम बोलते हैं CBR बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि टेम्परेचर क्या था, पहले से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तुम बोलेंगे CBR बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस बॉन्ड के टूटने से, है ना, CBR बॉन्ड टूटा, तो क्या बोलेंगे हम, इस बॉन्ड के टूटने से, है ना, कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे इस बॉन्ड के टूटने से, है ना, क्या हो जाएगा, ये कैटाइन बनेगा। इस कैटाइन के फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल इस कैटाइन में कन्वर्ट हुए, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 10 में से 8, 9 तो वापस 1, 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तेजी से बनता है, लेकिन 1, 2 किधर भी चले जाते हैं, 1, 4 एडिशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या क्या हुआ, +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर CBR बॉन्ड के टूटने से कैटाइन बनने लगा, और इस कैटाइन का कुछ फ्रैक्शन किस में जाने लगा, तो हमने बोला दैट इज 1/4 में जाने लगा, आता है क्या बेटा समझ में। और यदि ऐसा हो रहा है तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे धीरे धीरे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट किसमें, 1/4 में जाने लगता है ना। 1/4 प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो हमने बोला ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह देख ली हमने, ठीक है। तो +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1/4 एडिशन प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है, पर बनने के बाद वो टूटता बहुत ही कम है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं है, और ये प्रोडक्ट कैसा है, ज्यादा स्टेबल। तो हम बोलेंगे +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ, बना तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ही ज्यादा था इनिशियली, लेकिन वो धीरे धीरे 1/4 में कन्वर्ट होने लगा, और 1/4 बनने के बाद टूटता काफी कम था। तो फाइनली इन दोनों का इंटर कन्वर्जन का जो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या कैरेक्टर होता है, कि वो चीज ज्यादा मिलती है जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन है, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे हायर टेम्परेचर पर बेटा हमको क्या मिल जाएगा, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। आया है कि सबको समझ में, है ना, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिल जाएगा, है ना। ये क्या है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, इससे अपन देखते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर किसके कंट्रोल में, इक्विलिब्रियम के कंट्रोल में, या फिर थर्मोडायनेमिक्स के कंट्रोल में, और इसके थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। आए बेटा समझ में, है ना, क्या बोले हमने कि, है ना, रिएक्शन जो है अब हाई टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स के कंट्रोल में है, ठीक है, और इसके थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के लिए अपन करते हैं ना, तो नोट लगा के लिखेंगे इनको हम क्या बोलते हैं कि 1-2, 1/4 एडिशन में हमने जो एग्जाम्पल देखा है वो कॉन्जुगेटेड डाइन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा है, ठीक है। बट कॉन्जुगेटेड डाइन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स पर क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन में भी ये मैकेनिज्म फॉलो होता है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 1-2 एंड 1/4 एडिशन, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दोनों के लिए वैलिड होता है ना, नॉट ओनली एट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, 1-2, 1/4 एडिशन में यदि टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, तो बेटा हम क्या मानेंगे, तो हम बोलेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो टेम्परेचर क्या है, +40 के पास में जैसे, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, फिर रिएक्शन जो होती है वो, उसमें हम TCP थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। आता है बेटा समझ में, है ना, तो टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या है, तो हम बोलेंगे जैसे ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट, टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, तो पोजीशन नंबर 1 एंड 4 पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करवा देते हैं, ठीक है। फिर कौन सी चीज है बेटा, हाइड्रोजनेशन में जैसे कॉन्जुगेटेड डाइन है साइक्लिक है, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड बाहर हैं एंड देयर ऑन द सेम साइड, तो हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 एडिशन, तो पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ गया, हाइड्रोजन 1 और 4 पर जुड़ गया, ठीक है। बट कॉन्जुगेटेड डाइन साइक्लिक वाली कैसी है, कि एक डबल बॉन्ड बाहर और एक रिंग के अंदर है, तो ये कैसा हो गया, ट्रांस टाइप का, ठीक है। तो इस पर बेटा क्या नहीं होता, तो बोलेंगे इस पर 1/4 एडिशन नहीं होता, ठीक है।
तो अब इसमें कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कि अब वन फोर एडिशन नहीं, तो दोनों में से किसी एक पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो कौन सा, तो हमने रिडक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है वहां पर हाइड्रोजन का एडिशन करना है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ कम है तो हाइड्रोजन अब यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली वन टू एडिशन। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि केसीपी टीसीपी का कॉन्सेप्ट हम कहाँ अप्लाई करें, हमको कैसे समझ में आएगा, तो हम बोलेंगे बेटा जब कभी भी किसी रिएक्शन में क्या होगा, दो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, ठीक है, और वो दोनों प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल होंगे रिएक्शन कंडीशंस में, है ना, रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हों रिएक्शन कंडीशंस में वो इंटर कन्वर्टेबल होते हों, ठीक है ना। और कौन सी चीज होती हो, तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन से उनकी यील्ड में अंतर आता हो, ठीक है, तो ऐसे समय पर हमेशा लो टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दैट इज काइनेटिक, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज थर्मोडाइनेमिक, ठीक है। किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बने रिएक्शन कंडीशंस में वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, टेम्परेचर वेरिएशन से उनकी यील्ड में अंतर आ रहा है, ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे अब क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि अब है ना लो टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज केसीपी, और हाई टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज टीसीपी। क्लियर बेटा यहाँ तक का है, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टुवर्ड दैट वन टू एंड वन फोर एडिशन, ठीक है।